हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्टोरी ऑफ द हैप्पी प्रिंस रिटन बाय ऑस्कर विल्डे। हैप्पी प्रिंस जो है वो एक स्टैचू है बेसिकली, जो कि स्टैचू बहुत ही टॉल कॉलम, बहुत ही ऊंचाई में बनाया गया है जिससे वो पूरे शहर को अच्छे से देख सके। ये स्टैचू हैप्पी प्रिंस का काफ़ी सजा हुआ है, एडॉर्न विथ लॉट्स ऑफ गोल्ड, फाइन गोल्ड लीव्स, काफ़ी गोल्ड लीव्स से सजा है, पूरी बॉडी में उसकी गोल्ड लीव्स हैं। एंड स्वॉर्ड हिल्ट मतलब जो उसकी तलवार है उसके हिल्ट ऊपरी पार्ट में रूबी है, रूबी रेड कलर का बहुत ही कीमती पत्थर होता है। देन फॉर हिज आईज देयर आर टू सेपायर्स, आईज के लिए दो सेपायर्स हैं ब्लू कलर के, नीलम जिसे कहा जाता है। तो हैप्पी प्रिंस बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है जिसे सब लोग जिसकी सराहना करते हैं, जिसको सब लोग जिसकी तारीफ करते हैं। ये स्टोरी है हैप्पी प्रिंस। एंड देन नेक्स्ट करेक्टर है इसमें स्वेलो। स्वेलो एक चिड़िया है जो बेसिकली हैप्पी प्रिंस के पास आती है, और ये स्टोरी में हमें ऑथर के व्यू पॉइंट से समझ आता है कि ये स्वेलो मेल स्वेलो होगा मे बी। सो स्टोरी स्टार्ट होती है, ये हैप्पी प्रिंस जो कि एक स्टैचू है टॉल कॉलम में बना हुआ है जहाँ से वो पूरी अपनी सिटी को देख सकता है। स्वेलो जो है वो ग्रुप में रहती हैं, सारी स्वेलो जो उसकी फ्रेंड्स हैं वो जा चुकी हैं, लेकिन ये जो एक स्वेलो है ये नहीं गई है, ये रुक गई है, ये इंग्लैंड में ही है। बेसिकली इंग्लैंड में इस समय पर काफ़ी ठंड पड़ती है, तो स्वेलो जो हैं वो ठंड नहीं सह सकती, तो वो माइग्रेट कर जाती हैं, चली जाती हैं दूसरे कंट्री, इजिप्ट में चली जाती हैं यहाँ पर बताया गया है। तो उसको भी अपने फ्रेंड्स के साथ इजिप्ट जाना था, बट वो किसी कारण से इजिप्ट नहीं जाता। उसका रीज़न ये रहता है क्योंकि उसे स्लेंडर वेस्ट वाली रीड से लव हो जाता है। रीड बेसिकली घास को कहते हैं, आपने रिवर के किनारे काफ़ी घास देखी होगी जिसका वेस्ट स्लेंडर वेस्ट रहता है, मतलब बहुत पतली पतली रहती हैं, स्लेंडर यानी थिन पतला, वेस्ट यानी कमर। तो वो जब रीड से उसको प्यार हो जाता है और लास्ट में जब वो रीड को अपने साथ चलने को कहता है तो रीड उसे मना कर देती है, तो वो काफ़ी दुखी हो जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। और जब वो जाता रहता है तो काफ़ी रात हो चुकी है, तो उसको स्टे करने के लिए कोई जगह चाहिए रहती है। तो जब वो सिटी पहुंचता है तो उसे बहुत बड़ा सा स्टैचू दिखता है जो कि हैप्पी प्रिंस का स्टैचू रहता है। वो स्वेलो उस स्टैचू के पैर में आके बैठ जाता है, उसे लगता है ये बहुत ही अच्छा गोल्डन बेड है, यहाँ आज रात मैं बिता लेता हूँ और कल सुबह उड़ के मैं यहाँ से इजिप्ट चला जाऊँगा जहाँ मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पैर में बैठता है, सडनली कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स उसके सिर पे आ गिरते हैं। स्वेलो को लगता है कि इतने अच्छे मौसम में बारिश हो रही है, काफ़ी अजीब है, वो फिर बैठ जाता है। देन अगेन उसको वाटर की एक ड्रॉपलेट उस पर पड़ती है, तो वो हैप्पी प्रिंस को थोड़ा सा कोसता है कि इतना बड़ा स्टैचू है और ये पानी को रोक नहीं पा रहा है, तो किस मतलब का है ये। देन जब वो थर्ड वाटर ड्रॉपलेट्स उस पर गिरती है तो वो ऊपर की तरफ देखता है, और वो क्या देखता है कि हैप्पी प्रिंस रो रहा है। वो स्टैचू की आईज से वो ड्रॉपलेट्स, टीयर ड्रॉपलेट्स हैं जो उस पर गिर रहे हैं, तो वो काफ़ी दुखी होता है कि ये स्टैचू कैसे रो रहा है, ये तो सॉलिड गोल्ड से बना हुआ लगता है। तो वो हैप्पी प्रिंस से पूछता है दैट वाई यू आर वीपिंग, आप क्यों रो रहे हैं। हैप्पी प्रिंस उसे बताता है कि मैं स्टैचू हूँ और मैं सॉलिड गोल्ड से नहीं बना हूँ, बाहरी पार्ट मेरा गोल्ड का है, मेरा हर्ट जो है वो लेड का है, लेड एक मेटल रहता है, और मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं अपने शहर के लोगों को देख रहा हूँ जो कि काफ़ी दुखी लोग हैं। फिर वो स्वेलो को बताता है अपनी स्टोरी कि मैं जब जीवित था, अलाइव था, तो मैंने कभी दुख सोरो नहीं देखा, जो पैलेस था वहाँ पर हमेशा खुशी रहती थी और मैंने कभी दुख देखा नहीं क्योंकि पैलेस की दीवार से बाहर मैं कभी गया नहीं था, और जब मेरी मृत्यु हुई तो यहाँ पर मेरा स्टैचू बना दिया गया जहाँ से मैं पूरी सिटी को आज देख सकता हूँ, और आज मैं लोगों की सफरिंग को देखता हूँ तो मुझे काफ़ी दुख होता है कि लोग बहुत दुखी हैं। हैप्पी प्रिंस उनकी मदद करना चाहता है सबकी, लेकिन वो मदद नहीं कर पाता बिकॉज वो स्टैचू है, वो चल नहीं सकता। तो वो स्वेलो से बोलता है कि क्या स्वेलो उसकी मदद कर सकता है।
सुएलो बेसिकली हैप्पी प्रिंस की मदद करना चाहता है, लेकिन वो उसे बताता है कि उसे जाना है, यहाँ बहुत ठंड है और सुएलो जो है वो ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर वो ज़्यादा ठंड में रहेगा तो मर जाएगा। तो हैप्पी प्रिंस उसे बताता है कि केवल एक रात के लिए वो उसके साथ स्टे कर जाए और उसका मैसेंजर बन जाए। काफ़ी बोलने पर सुएलो मान जाता है। हैप्पी प्रिंस उसे फिर बोलता है कि दूर एक घर पे उसकी विंडो से मैं देख पा रहा हूँ एक सीमस्टर है, सिलाई करने वाली है, जो कि क्वीन के लिए कुछ गाउन सिल रही है, और दूर उसी कॉर्नर में उसका लड़का लेटा है जो कि काफ़ी फीवर है उसको और वो ऑरेंजेस मांग रहा है, लेकिन उस सीमस्टर के पास उसे पानी देने के अलावा, रिवर वाटर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो सुएलो को कहता है वो उसकी स्वॉर्ड हिल्ट से रूबी ले जाए, रूबी जो कि काफ़ी कीमती है, और जाके सीमस्टर को दे दे ताकि वो उसे बेचकर कुछ पैसे लेकर उस बच्चे के लिए ऑरेंजेस ला सके। सुएलो वो रूबी लेता है और उड़कर कहाँ चला जाता है, सीमस्टर्स के घर जाता है, सीमस्टर के घर जाता है, और वो जब घर जाता है तो बीच में क्वीन पैलेस भी पड़ता है, वो देखता हुआ जाता है और जाके देखता है वो बच्चा सो गया है, सीमस्टर काम करते करते सो चुकी है। वो वहाँ पर रूबी रख देता है, उस बच्चे के सर में हाथ फेरता है, उस बच्चे को काफ़ी अच्छा महसूस होता है, उसको कुछ ठंडा ठंडा लगता है और उसको लगता है कि नाउ आई एम गेटिंग बेटर, अब वो ठीक महसूस कर रहा है, और सुएलो वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे सुएलो काफ़ी खुश है, सुएलो अब इजिप्ट जाने वाला है। सुएलो हैप्पी प्रिंस से बोलता है कि अब मुझे इजिप्ट जाना होगा। हैप्पी प्रिंस उसके लिए खुश है, लेकिन हैप्पी प्रिंस उसको फिर बोलता है कैन यू स्टे विथ मी वन मोर नाइट, वो उसे बोलता है क्या मेरे साथ आप थोड़ा और रुक सकते हैं। सुएलो यहाँ पर मना करता है, उसे बताता है कि अब बहुत ज़्यादा ठंड है, वो नहीं रह सकता और उसके दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसे इजिप्ट जाना होगा, अब वो बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। हैप्पी प्रिंस बार बार उसे रिक्वेस्ट करता है और उसे बोलता है कि वो एक रात और रुक जाए। फिर जब सुएलो उसकी बात मान जाता है तो हैप्पी प्रिंस उससे बोलता है कि दूर एक प्ले राइटर है, एक रूम में एक प्ले राइटर बैठा हुआ है जो कि अपने राइटिंग लिखने में व्यस्त है, जो कि अपनी राइटिंग्स लिख रहा है, लेकिन बहुत ठंड है और उसके हाथ कांप रहे हैं, वो अच्छे से राइटिंग नहीं लिख पा रहा और उसे नींद भी आ रही है और उसके पास फायरवुड भी नहीं है जिससे कि वो वार्म कर सके अपने रूम को। तो यहाँ पर हैप्पी प्रिंस बोलता है अब उसके पास रूबी तो नहीं है, सुएलो बोलता तो रूबी ले जाके मैं उसे दे देता हूँ, तो हैप्पी प्रिंस बोलता है मेरे पास रूबी तो नहीं है, हाँ तो मेरी आइज़ जो सैपायर की है वो जाके उसे दे सकते हो। सुएलो इस पर मना करता है कि वो कैसे आइज़ निकाल सकता है हैप्पी प्रिंस की। बेसिकली एक इंसान जो बोल रहा हो, चाहे वो स्टैचू क्यों ना हो, जो बोल रहा हो उसकी आइज़ कैसे निकाली जा सकती है। सुएलो मना कर देता है हैप्पी प्रिंस से कि वो उसकी आइज़ नहीं निकाल सकता। हैप्पी प्रिंस काफ़ी इंसिस्ट करता है उसे कि वो उसकी आइज़ निकाल ले जो कि सैपायर की है, और जाके उस प्ले राइटर को दे दे ताकि वो उससे फायरवुड खरीद सके और अपना प्ले कंप्लीट कर सके। सुएलो के मना करने पर लेकिन हैप्पी प्रिंस काफ़ी इंसिस्ट करता है उससे, तो सुएलो उसकी आइज़ ले लेता है और जाके उस प्ले राइट के पास रख देता है। प्ले राइट उसे देख के बहुत खुश होता है। सुएलो वापस आता है और नाउ सुएलो अब इजिप्ट जाना चाहता है। अब वो तेज़ी से चिल्ला के कहता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। बेसिकली सुएलो वापस आता है, हैप्पी प्रिंस उसे फिर, हैप्पी प्रिंस थोड़ा सा दुखी है। हैप्पी प्रिंस इस बार दुखी है एक मैच गर्ल को देखकर। एक मैच गर्ल है जिसके हाथ में काफ़ी मैचेस हैं, तीलियाँ, माचिस की तीलियाँ, जो बेचने जा रही है, लेकिन धोखे से उसकी माचिस की तीलियाँ एक गटर में गिर चुकी हैं और वो रो रही है। वो रो इसलिए रही है क्योंकि वो अगर बगैर पैसे, पैसे बिना लिए वापस घर में जाएगी तो उसके फादर उसे बीट करेंगे, उसे मारेंगे। हैप्पी प्रिंस इस चीज़ को देख के बहुत सैड है और सुएलो से हेल्प मांगता है कि क्या तुम मेरी सेकेंड आइज जो कि सैपायर से बनी हुई है वो जाके क्या उसे दे दोगे, उस मैच गर्ल को दे दोगे, जिससे वो कुछ पैसे लेकर वापस अपने घर जा सके, जिससे उसके फादर उसे ना मारें। सुएलो यहाँ पर साफ मना कर देता है कि वो उसकी आइज़ नहीं निकालेगा, क्योंकि उसे पता है अगर वो इसकी आइज़ निकाल लेगा तो हैप्पी प्रिंस देखेगा कैसे, हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड हो जाएगा। तो सुएलो मना कर देता है, लेकिन फिर हैप्पी प्रिंस उसे बोलता है कि जैसा वो कह रहा है वैसा वो करे।
लास्ट में स्वेलो उसके वो नेक्स्ट जो सेकेंड आई थी वो भी निकाल लेता है और जाके उस मैच गर्ल को दे देता है और वापस आ जाता है। देन हैप्पी प्रिंस उसे गुड बाय कहता है कि अब वो इजिप्ट जा सकता है। स्वेलो अब यहाँ पर हैप्पी प्रिंस के साथ रुकते हुए स्वेलो को काफ़ी अटैचमेंट हो गया हैप्पी प्रिंस से और वो बोलता है कि अब वो नहीं जा सकता बिकॉज क्योंकि हैप्पी प्रिंस अब ब्लाइंड हो चुका है, वो अब कुछ भी नहीं देख सकता और वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता। स्वेलो से बोलता है कि अब वो मतलब अंधा हो चुका है और उसे अंधा हो गया तो वो देखेगा कैसे, इसलिए वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता। अब नेक्स्ट डे स्वेलो से बोलता है कि वो जो भी शहर में होगा वो सारी चीज़ें हैप्पी प्रिंस को बताएगा। तो स्वेलो उसके शोल्डर में बैठ के उसको सारी चीज़ें बताता था कि क्या हो रहा है आपके शहर में और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताता था जो अच्छाई हो रही हैं। वो कभी बुरी चीज़ें नहीं बताता था, कभी किसी की सफरिंग नहीं बताता था। तो हैप्पी प्रिंस उससे इंसिस्ट करता था वो उसको अच्छी अच्छी चीज़ें ना बताए, वो उसको बुरी चीज़ें भी बताए जो उसके सिटी में हो रही हैं। तो स्वेलो उसे जब भी कोई बुरी चीज़ बताता तो हैप्पी प्रिंस उसे कहता जो उसके स्टैचू की बॉडी में जो उसकी बॉडी में जो फाइन गोल्ड की लीव्स बनी हुई हैं वो जाके जो गोल्ड है वो जाके उन सबको दे दे। तो ऐसे करके जो स्वेलो है वो एक एक करके सारे गोल्ड जो भी उसकी बॉडी में लगा था सब सफरिंग जो कर रहे हैं लोग जो सफर्ड पीपुल्स हैं उनको दे देता है। और अब काफ़ी ठंड है, स्वेलो काफ़ी ठंड से अब ज़्यादा देर नहीं रह सकता है। स्वेलो अब हैप्पी प्रिंस भी बिल्कुल भद्दा सा लगता है, हैप्पी प्रिंस भी वो हैप्पी नहीं लगता क्योंकि अब वो ज़्यादा एडॉन नहीं है, ज़्यादा चीज़ें इससे सजा नहीं है। जब वहाँ पर टाउन काउंसलर आते हैं, वहाँ के मेयर आते हैं उस सिटी के, तो देखते हैं और कहते हैं अब हैप्पी प्रिंस अब खूबसूरत नहीं रह गया, अब इसे हमें फर्नेस में पिघला देना चाहिए और इससे हमें अपना खुद का स्टैचू भी बनाना चाहिए। स्वेलो अब हैप्पी प्रिंस के पैर के पास बैठा है, स्वेलो अब उस स्टेज में है कि अब वो जीवित नहीं रह सकता। स्वेलो लास्ट उड़ान भरता है हैप्पी प्रिंस के शोल्डर तक ताकि उसके कान में जाके वो बोल सके कि अब वो जा रहा है। वो जाता है और हैप्पी प्रिंस को बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ। हैप्पी प्रिंस खुश होता है कि स्वेलो अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा है, लेकिन स्वेलो यहाँ पर जा रहा है मतलब स्वेलो वो मर चुका है। स्वेलो नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है वहीं पर। और जब स्वेलो मरता है वो हैप्पी प्रिंस के नीचे चला जाता है, उसको बेसिकली डस्ट हीप में फिकवा दिया जाता है नेक्स्ट डे। और हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसे फर्नेस में गला दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब फर्नेस में उसे पिघलाया जा रहा था तो और जो स्वेलो की जब डेथ हुई थी तो काफ़ी तेज उसका हर्ट जो था लेड का बना हुआ था वहाँ से आवाज़ आई थी, ऐसा लगा कि जैसे उसका दिल टूटा हो। और हैप्पी प्रिंस का पूरा जो मेटल का बना रहता है वो मेल्ट हो जाता है केवल उसके हर्ट को छोड़कर। तो लास्ट में जो स्वेलो और हैप्पी प्रिंस का हर्ट रहता है वो दोनों को डस्ट हीप में फेंक दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है जब गॉड हेवन से जब अपनी परी से कहते हैं कि वो जाके अर्थ से दो प्रीशियस चीज़ें ले आए, तो वो दो प्रीशियस चीज़ें जो होती हैं वो स्वेलो डेड स्वेलो और प्रिंस का लेडन हार्ट लेके वो ऊपर आती हैं। सो दिस इज़ अ स्टोरी स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही ईजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहीं भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।